हाय फ्रेंड्स, मैं हूं तौकीर आलम। फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं और आपने कमेंट बॉक्स में पूछा नो पॉइंट इन प्लस जीरन का क्या यूज है, तो आइए इस कंसेप्ट को समझें। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं आपके क्वेश्चन पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। फ्रेंड्स, हमें अपने लाइफ में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस बोलने पड़ते हैं जहां हम कहते हैं कि अब इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, या अब पछताने से कोई फायदा नहीं है, या अब पछताने से कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स, जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहां आप कहना चाहें कि अब कोई फायदा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, तो आप नो पॉइंट इन प्लस जीरन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे, आइए इस बात को एग्जांपल में समझें। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो बहसबाजी करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज नो पॉइंट इन आर्गुइंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो पछताने से कोई फायदा नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज नो पॉइंट इन रिपेंटिंग। फ्रेंड्स, अगर आपको कहनी हो इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज नो पॉइंट इन वेटिंग। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में कहना होता है शोरगुल करने से कोई फायदा नहीं है, या शोरगुल करने से कोई मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज नो पॉइंट इन मेकिंग अ नॉइज। फ्रेंड्स, कई बार हमें अपने लाइफ में कहना होता है वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज नो पॉइंट गोइंग देयर। फ्रेंड्स, अगर आपको कहना हो दवा खाने से कोई फायदा नहीं है, या दवा खाने से कोई मतलब नहीं है, तो आप कहेंगे देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग मेडिसिन। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में कहना होगा कि अब किसी काम को करने से कोई फायदा नहीं है, या उसका कोई भी रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, तो आप देयर इज नो पॉइंट इन प्लस जीरन का यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको ये लेसन शानदार तरीके से समझ में आया, तो क्या आप मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं? और मेरा क्वेश्चन है देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग एक्सरसाइज। तो क्या आप बता सकते हैं कि सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ? आंसर जरूर दें, मैं आपके आंसर का इंतजार करता हूँ। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।